सीट के लिए तरस जाती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेगारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो और जिसने रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर के आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा? चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएंगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीढ़ी हताश होगा, तो वो गलत सोच रही है। अन्याय और उत्पीड़न लोगों तो जोड़ता है लोगों को। उत्पीड़न और अन्याय कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या पीडीए एक क्यों है? पीडीए एक साथ क्यों खड़ा है? भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा ना हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा ना कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। मैंने आपसे कहा कुंदन की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हार करके आएगी अगले चुनाव में। नहीं, आप भी बताइए ये कौन सा एक्ट है, बताओ। ठीक बात है, वही बात है। तो आप भी तो एक्ट को समझते होंगे कि गाड़ी बैठा लो, आप गाड़ी रोक लो, ठीक, कागज चेक कर लो, आदमी बैठा लिया आपने, ड्राइवर को करो कार्रवाई। अच्छा, आप जो आ रहे हैं उनके एफिडेविट चलिए,
ये तो पुलिस पे केस बनता है लूट का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी स्ट्राइक ट्रिक देखी आपने? और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया, इनकी उंगलियों में निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता? इसीलिए मैंने कहा कि नए तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लूट और बूथ कैप्चरिंग है, आपको पहुंचने ही नहीं देंगे वहां तक। जो सीटों पर वोट डाला है, कितने संघर्ष के बाद वोट डाला है कार्यकर्ताओं ने, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और जो मतदाता जो वोट डालने गए हैं, कितने संघर्षों के बाद भी वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाल कर। क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को रोका गया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। आप एक एक बूथ उठा के देख लीजिए बीजेपी का, उन्होंने बूथ कैप्चर करके 90% ज्यादा वोट डाल लिया अपने बूथ पर।